नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। वहीं ललितपुर में चेक डैम में नहाते समय तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों बच्चे आपस में चचेरे भाई बहन हैं। एक दूसरे को बचाने को लेकर हुई तीनों की मौत। गांव में तीनों बच्चों की मौत से कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस ने पहुँच कर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली तालबेहट क्षेत्र अंतर्गत बिगारी का ये मामला है। आज दिनांक 8/9/2024 को थाना तालबेहट पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बिगारी में तीन बच्चे जो है वो चेक डैम से जो नाला निकलता है उसमें डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल मेरे द्वारा तालबेहट पुलिस को लेके और जो फायर ब्रिगेड की बचाव राहत कार्य टीम है उसको लेके तत्काल हम लोग मौके पर आए तो और उनको जो है यहाँ से बच्चों को निकलवाया तो उसमें जो है तीनों ही बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। इसमें एक बच्ची का नाम, जिसमें दो लड़कियां हैं, दो बच्ची हैं और एक बच्चा है। एक बच्ची का नाम उसमें गुड़िया उर्फ कल्लू है जिसकी उम्र तकरीबन 16 वर्ष है और एक बच्चा सुमित है जिसकी उम्र तकरीबन 13 वर्ष है और जो दूसरी एक अन्य बच्ची है जिसका नाम अनुष्का है उसकी भी उम्र तकरीबन 13 वर्ष है। ये बच्चे यहाँ नाले में नहाने के लिए आए थे जहाँ ये किसी कारणवश जो है यहाँ डूब गए हैं और इन तीनों की जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों के ही शवों को निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।